ऑब्टरेटेड बस इसको अक्सर लोग ऑक्लूडेड कहते हैं, ये ऑब्टरेटेड है, ऑक्लूडेड नहीं है ठीक है. ऑब्टरेटर स्कोप स्कोप हैंडल ठीक है. दिस आर थ्री पार्ट्स ऑफ द प्रोक्टोस्कोप. यूजुअली प्रोक्टोस्कोपी की पिक्चर आता है ऑस्मी में ठीक है, और उससे आप मतलब उसमें जो पूछते हैं वो उसमें ये होता है कि व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्रोक्टोस्कोपी ठीक है. वन मेजर प्रीरिक्विजिट ऑफ प्रोक्टोस्कोपी इज डीआरई. यू कैनॉट डू प्रोक्टोस्कोपी और डीआरई इन एन एनियल फिशर, रिमेंबर दैट ठीक है. ये हो गया ठीक है. प्रोक्टोस्कोपी का तरीका क्या, इसमें डालना नहीं है वैसे इनकी हालत कौन सी अच्छी है. अच्छा प्रोक्टोस करना है कि जिस तरह का डीआरई आपने किया है ना द सेम प्रोसीजर ठीक है. आप इसको फुल लुब्रिकेट करेंगे इसके पूरे स्कोप को ठीक है. यू लुब्रिकेटेड एंड वही आप 6 o'clock पर प्रेस करके देन यू इंट्रोड्यूस इट. वंस द स्कोप इज कम्प्लीटली इन, मतलब इस लेवल तक फुल इन है, मतलब जो ये एनल ओपनिंग है ना ये इस लेवल तक आनी चाहिए, देन यू टेक आउट द ऑब्टरेटर ठीक है. ये नहीं कि आप डालते जाए और निकालते जाए, नहीं, क्योंकि देन यू विल स्क्वीज सम रेक्टल म्यूकोसा इन बिटवीन दिस, दर्द होगा पेशेंट ठीक है. सो यू टेक आउट द ऑपरेटर एंड देन यू एग्जामिन. एग्जामिनेशन पे क्या करेंगे कि यू विल सी द पुट इन द प्रोक्टोस्कोप, यू नीड टू गेट लाइट सोर्स एज वेल ठीक है. एंड आप आहिस्ता आहिस्ता स्कोप को बाहर निकालेंगे. इफ देयर इज एनी हेमरॉइड्स, वो हेमरॉइड्स जो है वो खुद ब खुद दे विल कम इनटू द इंटरविजन ठीक है. वो ऐसे गिर जाएंगे आगे सामने आपको नजर आ जाएंगे ठीक है. यूजली 3, 7, and 11 o'clock पे होते हैं ठीक है. उस पर आप कमेंट कर लेंगे. हेमरॉइड्स यूजली जब आपको नजर भी आएंगे इट्स लाइक ब्लूइश कलर ठीक है, ब्लूइश कलर में नजर आएंगे, ब्लूइश रेडिश पिंकिश टाइप ठीक है. लेकिन अगर बिल्कुल थ्रोम्बोज हो तो वो ब्लैकिश होंगे, डार्क ब्लू होंगे ठीक है. दैट्स इट. प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्रोक्टोस्कोपी ये याद रखना कि डीआरई ठीक है, पेशेंट कंसेंट ठीक है, प्रॉपर एक्सपोजर, लुब्रिकेशन इज द मेजर थिंग ठीक है, हैंड ग्लव्स ठीक है ना. दिस इज द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्रोक्टोस्कोपी ठीक है. एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रोक्टोस्कोपी इज इन पेशेंट्स, दैट्स द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन.